हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल? यू ऑल आर डूइंग गुड। सो चिल्ड्रन, टुडे वी विल स्टार्ट विद अ जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट, ओके? बट बिफोर दैट जॉइन योर हैंड्स एंड गेट रेडी फॉर द प्रेयर। सो लेट्स स्टार्ट चिल्ड्रन। गुरुर् ब्रह्मा, गुरुर् विष्णु, गुरुर् देवो महेश्वराः, गुरु साक्षात परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओके चिल्ड्रन, सो चिल्ड्रन, एज आई टोल्ड यू ऑल, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट। टिल योर लास्ट सेशन वी हैव कंप्लीटेड विद द टॉपिक बर्ड्स अराउंड अस। हमने एनिमल्स के बारे में लर्न किया, एनिमल बेबीज के बारे में लर्न किया, इवन बर्ड्स के बारे में। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट समथिंग न्यू, ओके? सो आर यू ऑल रेडी फॉर दैट? सो चिल्ड्रन, ईयर इज योर नेक्स्ट टॉपिक, सीजन्स इन अ ईयर। दिस इज इन योर पेज नंबर 83, ओके? नाउ चिल्ड्रन, आप जब रहते हो घर पे, कभी आपको गर्मी लगती होगी, कभी आपको ठंडी लगती होगी, राइट? तो ये जो हमारा टेम्परेचर, जो हमारा अप एंड डाउन होता है, जब आपको ठंडी लगती है, गर्मी लगती है, राइट? ये सब क्यों होता है? ड्यू टू द सीज़न। हम बोलते हैं ना, ये गर्मी का सीज़न है, ये ठंडी का सीज़न है, राइट? हमारे फुल ईयर में देर आर फाइव सीजन्स, ओके? टोटल कितने सीजन्स है? फाइव सीजन्स, ओके? यस चिल्ड्रेन, फाइव सीजन्स। वॉट आर दे, यू वॉन्ट टू नो? समर, विंटर, रेनी, स्प्रिंग एंड ऑटम। इनमें से आपको समर, विंटर के बारे में और रेनी सीजन के बारे में तो आइडिया होगा, राइट? सो टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न द नेक्स्ट टू सीजन्स इज स्प्रिंग एंड ऑटम, ओके? सो व्हाट आई विल डू चिल्ड्रन, आई विल फर्स्ट शो यू द सीजन्स वन बाय वन एंड आई विल एक्सप्लेन यू, ओके? जैसे ही हमारे हमने मंथ्स ऑफ द ईयर, हमें पता है जनवरी टू दिसंबर, हर एक मंथ में स्पेसिफिक सीजन होता है, ठीक है? इट माइट बी समर, इट माइट बी विंटर, इट माइट बी रेनी, है ना? सो व्हाट वी विल स्टार्ट, वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट सीजन, ओके? सो चिल्ड्रन, फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट सीजन, दैट इज स्प्रिंग, ओके? Spring is a very pleasant season, okay? ये बहुत pleasant लगता है। Spring is a very pleasant season. It comes in the month of March. Spring season कौन से month में होता है? March. जब होली होती है ना? Yes, होली के time पे spring season होता है, ओके? जब होली होती है तभी आपको थोड़ा थोड़ा गर्मी होता है, राइट? यू फील वॉर्म, यस, यू फील जस्ट वॉर्म, ओके? स्प्रिंग में सिर्फ आपको वॉर्म लगता है, गर्मी नहीं होती है। गर्मी आपको कब होती है? समर सीजन में, ओके? स्प्रिंग कौन से मंथ में आता है? इन द मंथ ऑफ मार्च, ओके? एंड यू फील लिटिल वॉर्म, ओके? यू विल फील लिटिल वॉर्म बट नॉट लाइक समर, ओके? और प्लांट्स, स्प्रिंग में स्मॉल प्लांट्स में स्मॉल स्मॉल जो लीव्स आना शुरू होते हैं, ओके? एंड फ्लावर्स भी ब्लूम करते हैं। हमने पार्ट्स ऑफ द प्लांट में पढ़ा था ना, पहले बर्ड आता है, देन उसमें से फ्लावर ब्लूम होता है। सो इन द मंथ ऑफ स्प्रिंग you can see small small leaves coming, yes, growing in the plant, and you can see the flower blooming in the plant, okay? Small flowers blooming in the plant. In which month? In the month of, in which season? Spring, in the month of March, okay? For example children, मिल्क, जब आपकी मम्मा मिल्क आपको देती है तभी वो क्या होता है? हॉट होता है, बहुत गर्म होता है। फिर आप क्या करते हो? उसको आप ब्लो करते हुए उसको नॉर्मल टेम्परेचर में लेके आते हो, और जब मिल्क थोड़ा वार्म रहता है तब आप उसे पीते हो, राइट?
आपकी मम्मा आपको मिल्क देती है, दैट टाइम इट इज़ वेरी हॉट, राइट? सो दैट टाइम वॉट यू डू, यू ब्लो द मिल्क एंड यू मे एंड यू डू कीप द टेम्परेचर डाउन, राइट? मिल्क का जो टेम्परेचर है आप थोड़ा कम करते हो, थोड़ा जब ल्यूक वार्म होता है तब आप मिल्क पीते हो, राइट? सो इन दैट वे ओनली जो स्प्रिंग में सिर्फ आपको वार्मनेस लगेगा, गर्मी नहीं होगी, सिर्फ वार्मनेस लगेगा इन द मंथ इन द इन विच सीजन इन स्प्रिंग, ओके? और स्प्रिंग कौन से मंथ में आता है? इन द मंथ ऑफ मार्च, ओके? स्प्रिंग के बाद कौन सा सीजन आता है चिल्ड्रेन? समर, यस। स्प्रिंग कम्स इन द मंथ ऑफ मार्च, देन मैंने जैसे बताया स्प्रिंग में थोड़ी थोड़ी गर्मी होती है और वो गर्मी का जो टेम्परेचर है थोड़ा थोड़ा बढ़ते हुए समर सीजन आ जाता है, ओके? यस, समर सीजन। और ये समर सीजन कब तक रहता है? टिल द मंथ ऑफ जून, ओके? यस, समर सीजन जून तक आपको ये समर सीजन होता है। एंड इन समर सीजन यू कैन सी द डेज आर लॉन्ग, ओके? जो डे टाइम होता है वो समर सीजन में बड़ा होता है और जो नाइट टाइम होता है शाम जल्दी हो जाती है, यस, शाम जल्दी नहीं होती है। द डेज आर लॉन्ग एंड द नाइट आर शॉर्ट, ओके? एंड समर सीजन यानी कि गर्मी का सीजन, समर सीजन में आपको बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, राइट? तब आप क्या खाते हो? कोल्ड वाटर पीते हो या फिर कोल्ड बेवरेजेस लेते हो, आइसक्रीम खाते हो, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हो, राइट? व्हाई? बिकॉज यू फील वेरी हॉट एंड ड्यूरिंग समर सीजन यू वेयर कॉटन क्लोथ्स, राइट? आप कॉटन क्लोथ्स पहनते हो। व्हाई डू यू वेयर कॉटन क्लोथ्स? बिकॉज ड्यूरिंग समर सीजन यू फील गुड इन कॉटन क्लोथ्स, वो बहुत ज़्यादा लूज होता है एंड देन यस you feel you wear cotton clothes during the summer season, okay? During summer season it is very hot and during summer season children आपको ऐसा कोई एक fruit मिलता है जो summer season में आता है, वो जो सबका favorite होता है। Tell me what is the name of the fruit? Mango, yes, mango एक ऐसा fruit है जो summer season में ज़रूर आता है, right? And we all like to eat mangoes during summer season. During the entire year, you some of them, you know, the way they wait for mango ki kab summer season aayega and when we will start eating the mangoes. And during summer season we eat watermelon also. Why? Because watermelon bahut thanda fruit hai, yes, it contains a lot of water. Aur summer season mein garmi mein aap bahut zyada pani bhi peete ho, right? So during summer season we eat a lot of watermelon, right? Yes. Then children, after summer season kaun sa season aata hai? Rainy season, yes. It starts from June to July, okay? June se July tak, June se July ke beech mein rainy season start ho jata hai, yes. And during rainy season you can see no sun, सन बहुत हार्डली हमें दिखाई देता है, यू कैन सी डार्क क्लाउड, फुल रेन, नो सन, राइट? एंड यू कैन सी ग्रीनरी ऑल अराउंड, ओके? एंड फ्रेश एनवायरनमेंट, ओके चिल्ड्रन? यू कैन सी ग्रीनरी ऑल अराउंड एंड फ्रेश एनवायरनमेंट। और समर समर सीजन में जैसे आप कॉटन क्लोथ्स पहनते हो वैसे ही रेनी सीजन में क्या हमें जब बाहर जाना होता है तो हम क्या पहनते हैं? गम बूट्स, रेनकोट और एल्स अम्ब्रेला, राइट? जब आप स्कूल आते हो रेनी सीजन में तो आप क्या पहन के आते हो? जब बारिश गिरती है तो आप क्या पहन के आते हो? रेनकोट, राइट? यस। सो रेनी सीजन यानी कि बारिश का मौसम, यस। एंड During summer we get mangoes, right? And during rainy season what is the famous food? Yes, tell me. Corn. We eat corn during rainy season, yes, okay? So after first hum kaun sa month dekhte hai? Dekha humne spring, then kaun sa season dekha humne? Summer, then rainy,
ओके आफ्टर रेनी सीजन चिल्ड्रन, रेनी सीजन कौन से मंथ तक होता है? फ्रॉम जून से जुलाई तक स्टार्ट होता है टिल द मंथ ऑफ ऑगस्ट, राइट? देन आफ्टर ऑगस्ट इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर विच सीजन स्टार्ट्स? ऑटम, ओके? ऑटम स्टार्ट्स इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर. नाउ जैसे मैंने स्प्रिंग में बोला था ना, स्प्रिंग सीजन में स्मॉल प्लांट्स ग्रो होते हैं, लीव्स आना शुरू हो जाता है, फ्लावर्स ब्लूम करते हैं, राइट? रेनी सीजन में एनवायरनमेंट एकदम ग्रीनरी हो जाता है. बट इन द मंथ ऑफ ऑटम, इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर ड्यूरिंग द ऑटम सीजन द लीव्स स्टार्ट टू चेंज कलर. रेनी सीजन में जैसे ग्रीनरी होती है, वैसे ही ऑटम सीजन में कलर लीव्स के चेंज होना शुरू हो जाता है, ओके? एंड दे स्टार्ट फॉलिंग फ्रॉम ट्रीज, वो ट्रीज से गिरना शुरू हो जाते हैं, ओके? एंड ऑटम सीजन में ना ज़्यादा आपको गर्मी होगी और ना ज़्यादा ठंडी होगी, ओके? दिन में आपको थोड़ा गर्मी लगेगा बट रात में आपको ठंडी लगेगी. इन विच सीजन? ऑटम, ओके? दिन में आपको थोड़ी गर्मी लगेगी और रात में आपको थोड़ी ठंडी लगेगी. इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर इन विच सीजन? ऑटम, ओके? एंड इन द ऑटम सीजन द लीव्स स्टार्ट टू चेंज द कलर, ओके? लीव्स स्टार्ट चेंजिंग द लीव्स के जो कलर होते हैं वो चेंज होना शुरू हो जाता है और वो ट्रीज में से गिरना शुरू हो जाते हैं, ओके चिल्ड्रेन? और जैसे ही ऑटम सीजन एंड होता है, बाय द एंड ऑफ द ईयर वी गेट द विंटर सीजन, ठंडी का मौसम. यस, नाउ विच सीजन इज गोइंग ऑन? विंटर, राइट? अक्टूबर से जो विंटर सीजन शुरू होता है, ओके? यस, फ्रॉम मोस्टली विंटर सीजन ज़्यादा कब तक होता है? दिसंबर टू फेब्रुअरी, ओके? विंटर सीजन होता है दिसंबर टू फेब्रुअरी. During winter season, the weather is too cold. Yes, and trees have very few leaves. Okay, because September में autumn season में leaves नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं, है ना? So during the winter season, there are very, you can see very few leaves on the trees. Okay, and the weather is very cold. Okay, or यस, और जैसे मैंने आपको बताया था समर सीज़न में कि डेज आर वेरी लॉन्ग, वैसे ही विंटर सीजन में डेज बहुत छोटे होते हैं. यू हैव शॉर्ट डेज एंड लॉन्ग नाइट्स, ओके? आपने देखा होगा शाम के वक्त अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है. व्हाई? बिकॉज द विंटर सीजन इज़ गोइंग ऑन, राइट? यस, सो इन विंटर सीजन वी हैव शॉर्ट डेज एंड लॉन्ग नाइट्स. And during winter season, what do we eat a lot? We eat green vegetables, right? Yes, we eat green vegetables, we eat leafy vegetables, we eat green peas, है ना? Cauliflower, ये सब जो vegetables है ये winters में बहुत ज़्यादा मिलता है and हम ये ज़्यादा consume करते हैं. Yes, we do eat a lot. So these are the five seasons which is there in a year and which is given in this topic. Okay, seasons in a year. Now children, ये जो seasons है ना, summer, winter, rainy, spring and autumn, ये seasons का एक cycle होता है, okay? जैसे पहले spring का season मैंने आपको बताया था, spring के बाद आता है summer, summer के बाद आता है rainy season, then autumn and then winter, okay? ये सारे seasons का एक cycle होता है as per the month, okay children? So these are the five seasons. You have to remember how many seasons are there in a year? Five seasons, and you have to learn the name of the seasons, okay? Then this is given in your page number 83. After this, turn to your page number 84. See children, here is your page number 84. On this page, you have to do your activity, okay? What is given over here? Color the picture of rainy season. You can see, जैसे मैं बोला था ना, rainy season में आप umbrella भी use करते हो. You can see a girl carrying the umbrella. Why? Because it is raining.
So what you have to do, you have to color this picture. You have to make this season, rainy season, very colorful. Okay, everyone has to color. Okay, you can use any of your favorite color, but only is you have to make this picture beautiful. Okay children, in this way you have to learn about these seasons, 5 seasons in a year. Okay, for the topic seasons. Okay children, learn the name of the seasons, and then for the activity come to this page, page number 84. Okay children, this is all for today in your general awareness subject for the topic seasons in a year. Now take out your book and start learning about the seasons. Thank you. Bye bye.